बुल्गारिया वाकई में बहुत अच्छी कंट्री है यूरोप की। आज का दिन सोफिया में 2500 रुपए में निकाल दिया है। कैसे? शुरू हो गई है भाई बुल्गारिया ट्रिप कोविड के अंदर। बल्गेरिया ईस्टर्न यूरोप में पड़ने वाली यूरोप की 16th लार्जेस्ट कंट्री है, जो कि टर्की, ग्रीस, रोमेनिया जैसे देशों से अपना बॉर्डर शेयर करती है। और हमने बल्गेरिया की यात्रा उसकी कैपिटल सिटी सोफिया से स्टार्ट की। सोफिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पधार चुके हैं हम। पीछे बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स कर रहे हैं, हम लोग टैक्सी नहीं ले रहे हैं। हम यहाँ की शटल बस का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टाइम है और बस आ गई है। नहीं पता नहीं शटल बस है कि क्या है। एक तो सब कुछ रशियन में लिखा हुआ है। अभी सारी डिटेल्स हम देने वाले हैं यहाँ की लैंग्वेज के बारे में। बुल्गारिया में लिखा हुआ है पर जो स्क्रिप्ट है, जो अल्फाबेट्स हैं वो रशियन जैसे ही हैं। ये देखो, अरे लो, इतनी देर में मैं मोड़ता कैमरा, इतनी देर में बस निकल भी गई। बट खैर ये वाली ट्रिप हमारी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम करेंगे डर्ट चीप ट्रैवल, जिसका मतलब है कि हम लोग ना तो होटल्स में रुकने वाले हैं, ना हम टैक्सी करने वाले हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट्स में खाने, ना हम रेंटल गाड़ी लेने वाले हैं। तो ऑल इन ऑल हम बहुत ही सस्ते में ट्रैवल करने, बैकपैकिंग ट्रिप करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इस ट्रिप के लिए। ऑल द कोविड का टाइम है, थोड़ा सा मुश्किल टाइम है, बट इस साल कोई और ट्रिप नहीं हो पाई इसलिए हम इस ट्रिप से हमारी काफी उम्मीद है। अभी एक्चुअली हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 जाना पड़ेगा पहले हमको शटल बस लेके, जो कि फ्री रहेगी। उसके बाद हमको सबसे पहले निकालना है पैसा। यार यहाँ पे ATM नहीं मिला हमें कहीं भी। सबसे पहला काम होता है किसी भी ट्रैवलर का कि वो जाके पैसा निकाले। करेंसी यहाँ पे अलग है, यूरो करेंसी नहीं चलती यहाँ पे, और ATM के लिए तरस गए भाई। ये आ गई भाई टर्मिनल 2 की बस और मेगा भाग रही है इसके पीछे पीछे। तो भाई हम शटल बस में बैठ गए हैं। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा था पहले। एक बस वाला आया, उसने रोकी नहीं, चिल्लाने लगा हमारे ऊपर पता नहीं क्यों। इवन यहाँ के लोग भी बोलने लगे कि यार ये तो कुछ अजीब से बिहेव था। पर खैर ये यहाँ की बस है, ये दिखाई तुम। और इस बस से हम पहुंचेंगे टर्मिनल 2 और टर्मिनल 2 से मेट्रो चलेगी मेन सोफिया सिटी की। उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो फाइनली शटल बस से हम टर्मिनल 2 आ गए और हमें ATM भी मिल गया और हमारी बुल्गारियन करेंसी में निकल गई। लेकिन और टर्मिनल 2 के अंदर हमको मिला है ATM। ATM कोई बाहर नहीं था, एक बड़ा ही कोई हेल्प करने वाला बंदा था, पुलिस ऑफिसर था, वो हमको लेके आया अंदर और उसने दिखाई ATM। थोड़ी सी हमको परेशानी लगी पैसे विड्रॉ करने में, बट कभी भी अगर फॉरेन कंट्री आओ तो एक क्रेडिट कार्ड लेके आओ जहाँ से आप अपनी नेटिव करेंसी में पैसे निकाल जहाँ से आप अपनी नेटिव करेंसी में पैसे विड्रॉ करने की कोशिश करो तो चार्ज नहीं लगता है। अभी हमने ये निकाले हैं 100 बुल्गारियन लेव निकाले हैं, जिसके लिए मुझे लगभग 50 यूरोज देने पड़ेंगे। अच्छा अगर क्विकली बात करें करेंसी की तो 1 यूरो में आते हैं 2 बुल्गारियन लेव और 1 बुल्गारियन लेव बराबर है लगभग 40 इंडियन रुपीज़ के। बुल्गारिया यूरोप की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है और वन ऑफ द चीपेस्ट कंट्री है, बट सोच लो कि 1 यूरो में नहीं, 1 बुल्गारियन लेव में 40 इंडियन रुपीज़ आ रही हैं। खैर मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि टर्मिनल से डायरेक्ट मेट्रो है सोफिया सिटी की और एयरपोर्ट बहुत ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से, ना मेरे ख्याल से आधा घंटे का शायद रास्ता है। और सबसे अच्छी बात ये कि 1 यूरो से भी कम, यानी कि 70-80 रुपये से भी कम में हम एयरपोर्ट से सोफिया सिटी पहुँच जाएंगे। बहुत चीप लगा, मतलब यूरोप के अंदर 1 यूरो से भी कम का टिकट प्राइस इवन बस में भी नहीं मिलता यार। और देखो एयरपोर्ट के जस्ट बराबर में ही है ये मेट्रो स्टेशन जहाँ से हम सोफिया सिटी पहुँच जाएंगे। बाय द वे हम काफी देर से सोफिया नाम ले रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सोफिया यहाँ की कैपिटल सिटी है। और मेघा भी टिकट खरीद रही है सोफिया सिटी जाने के लिए। और अभी हमने ये टिकट लिया है 1.6 बुल्गारियन लेव्स का है, जो कि लगभग बनते हैं 80 सेंट्स, या आप कह लो तकरीबन 70-80 रुपए के आसपास बनते हैं।
इतना सस्ता टिकट मैंने आज तक कहीं नहीं खरीदा, वो भी मेट्रो का। और देखो मेट्रो भी यहाँ की काफ़ी सही लग रही है यार। मतलब आते के साथ ही पता चल रहा है कि बुल्गारिया वाकई में बहुत सस्ती कंट्री है यूरोप की। और बाकी अभी ट्रैवल करते हैं तो पता चलेगा कि कैसा है हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है और हम लोग कितना टोटल खर्चा करते हैं। तो ये ट्रिप बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस ट्रिप के अंदर हम बताएंगे हमने टोटल खर्चा कितना किया 10 दिनों के अंदर। और जैसा कि हम लोग पहले बता चुके हैं ये हमारी बैकपैकिंग ट्रिप है और बजट ट्रैवलिंग करने वाले हैं। हॉस्टल्स में रुकेंगे, बस से ट्रैवल करेंगे, हिचहाइकिंग करेंगे, तो यार बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो भाई मेट्रो पकड़ पकड़ के हम पहुंच तो गए मेन सोफिया सिटी जहाँ पे कि हमारा हॉस्टल है। और यहाँ पे देखने में तो यार अच्छा लग रहा है। इस टाइम कितना टाइम हो रहा है? अभी हो रहा है शाम के 7 बज गए हैं। यहाँ के 7 बज गए हैं। तो अंधेरा हो गया काफी ज्यादा और देखने में सिटी का तो व्यू तो बहुत अच्छा है। और अब हम जा रहे हैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में। हाँ यार अभी तो हॉस्टल जाके खाना वाना बनाने की अभी हिम्मत नहीं है, सुबह के निकले हुए हैं तो आज के लिए माफी चाहेंगे। अभी रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं और देखते हैं कि रेस्टोरेंट के प्राइस यहाँ पे कैसे हैं। काफ़ी सारी चीज़ों के प्राइस तो काफ़ी कम लगे, मतलब लगभग हाफ लगे एज़ कम्पेयर टू जर्मनी। और बाकी अभी रेस्टोरेंट में देखते हैं। अभी रात में यहाँ पे चलते हुए ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं आ रहा कि ये यूरोप की सबसे पुअरेस्ट कंट्री है या बड़ी चीप कंट्री है। यहाँ पर तो मुझे कनॉट प्लेस जैसा फील आ रहा है। हाँ दिल्ली लग रही है यार, दिल्ली से भी बेटर लग रही है। ये देखो जरा साफ सफाई। अभी मैंने एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढा यहाँ पे पास में ही था और हम यहाँ पे आए। मेन्यू काफ़ी अच्छा है, सब कुछ इंग्लिश में भी लिखा है और चीज़ें भी काफ़ी वैरायटीज काफ़ी सारी हैं। और अभी ऑर्डर करके या खा के देखेंगे कैसा लगता है। और बहुत ही सस्ता लग रहा है, मतलब मज़ा आ रहा है, चलो पेट खुश खुश खाएंगे। खाई नहीं जाती मैक्सिमम जो सबसे महंगी जो डिश है मेन कोर्स में उसका प्राइस 7 बुल्गारियन ले जो कि होता है 3.5 यूरो। और ये प्राइस बाकी यूरोपियन कंट्रीज के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, काफ़ी ज़्यादा। और अब हम शुरुआत करें अपने डिनर की सूप से। ये आ गया सूप और ये काफ़ी सही प्राइस में मिला है। ये 3 बुल्गारियन लाफ का पड़ा है जो कि पड़ता है 1 यूरो खाना, यस भारत का खाना, और जो कि लगभग सब मिला करके 10 यूरो के आसपास का है। तो डिनर हमने कर लिया है और अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं कि हम लोगों ने आज का दिन सोफिया में 2500 रुपये में निकाल दिया है। कैसे? पूरा दिन नहीं, लगभग आधा दिन, आधे से ज्यादा दिन। तो बेसिकली यहाँ के बनते हैं 60 बुल्गारियन लाव और जर्मनी के बनते हैं 30 यूरो। उसमें हमने क्या क्या किया है, हम दोनों बड़े बड़े जो है एडल्ट लोगों ने पेट भर के डिनर खा लिया है और डेजर्ट भी थी उसमें साथ में और सूप भी था, सब था, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का। और साथ में हमने जो है एयरपोर्ट जो यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ से हमने यहाँ की जो मेट्रो ट्रेन है वो दोनों ने इंडिविजुअल टिकट लेकर के और ट्रैवल कर लिया। और साथ में हमने बीच में हल्का सा स्नैक्स भी ले लिया, पानी मिनरल वाटर स्नैक्स ले लिया। और सबसे बड़ी बात अभी खत्म नहीं हुई है बात, हम जिस हॉस्टल में जा रहे हैं वहाँ हमने प्राइवेट रूम लिया है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो अब लगा लो कि 60 बुल्गारियन लेव यानी कि लगभग 2500 रुपए, मैं एकदम करेक्ट अमाउंट नहीं बता रहा हूँ पर लगभग 2500 रुपए में, चलो 3000 मान लो। हाँ चलो 2500 रुपए में हमने जो है सब कुछ कर लिया। तो पर अभी खैर हमने इतना ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया है, अभी हमको आगे बहुत कुछ करना है।
But, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं थोड़ी खुश हूँ, मस्त पेट भर के खाना खाया, मजा आया। अब मैं जो हूँ आराम से 3-4 दिन तो आराम से ऐसे ही कभी इधर पड़े उधर पड़े खाना खाया उधर चले गए ऐसे ही करने वाले हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ये है बुल्गारिया का कि ये वाकई में यूरोप की बहुत ही सस्ती कंट्री है। और अगर आपको यूरोप लग रही है वैसे, हाँ, सस्ती मतलब सोफिया के अंदर, हाँ, अगर आप देखो तो पूरा यूरोपियन वाला फील है, सोफिया के अंदर पूरा यूरोपियन वाला फील है। तो अगर आपको सस्ते में यूरोप घूमना है तो बुल्गारिया हाईली रिकमेंडेड है। अभी तक तो सब कुछ इंग्लिश में भी मिला, कोई दिक्कत, हाँ, अच्छा हमको लैंग्वेज भी कोई मेट्रो में भी कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ इंग्लिश में, अनाउंसमेंट भी हो रही थी इंग्लिश में, तो सब चीज इंग्लिश में मिली, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम जा रहे हैं अपने हॉस्टल और यार बहुत थक गए हैं, अब जाके हम रेस्ट करेंगे और उसके बाद बुल्गारिया को ठीक से लाइक प्रॉपर बैकपैकर्स हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा, तो जुड़े रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।